पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों के कारोबार को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तेजी से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा जनमानस से अपील भी की गई, साथ ही अवैध कॉलोनी और प्लॉट न खरीदने की भी अपील की जा रही है। गुरुवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के दिशा निर्देशन में प्रवर्तन की टीम द्वारा एक बार फिर कार्रवाई को अमली जामा पहनाया गया। प्राधिकरण की टीम द्वारा थाना मझोला इलाके में तीन अलग अलग स्थान पर कार्रवाई की गई, जिसमें सबसे पहले गांव डिडोरी के आसपास तीन अलग अलग स्थान पर कॉलोनाइजर द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण के द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अवैध प्लॉटिंग को लेकर गाँव की जनता भी कॉलोनाइजर पर दोष मन रही है, क्योंकि जिस तरह से कॉलोनियों को बसाया जा रहा है, वो कॉलोनियां ना तो खरीदारों को रास्ते उपलब्ध करा रही हैं और ना ही बिजली पानी आदि की व्यवस्था करा रहे हैं। आज प्राधिकरण की प्रवर्तन की टीम द्वारा ग्राम डिडोरी और फाजलपुर में जो अवैध प्लॉटिंग थी लगभग 113 बीघा की, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही खुशालपुर में एक राहुल गुप्ता द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसका मानचित्र प्राधिकरण से उनके द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया था, उनको सीलिंग की कार्रवाई की गई है। मैं जनता से यही अपील करूंगी कि आप जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पर आप कोई भी प्लॉट या फिर कुछ भी खरीदने से पहले एक बार इसका कंफर्मेशन प्राधिकरण से जरूर कर लें कि उसने लेआउट पास कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को जो अवैध लेआउट पास करा के इलीगल कॉलोनियां काटी जा रही हैं उनमें प्लॉट ना खरीदें, और आप प्राधिकरण से बकायदा मानचित्र पास कराने के बाद ही जो लेआउट सेंक्शन हुए हैं उनमें प्लॉट आज खरीदें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।